वेलकम बैक इन दिस चैनल बाबा एकेडमी एंड आर रबीब कोडिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम डेटाबेस को कनेक्शन कैसे बनाते हैं पीएचपी के द्वारा। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसका मैंने एक नाम भी दे चुका है, रखा है यहाँ पे कनेक्ट टू MySQL। अब यहाँ से हम MySQL को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने बीएस कोड या डेटाबेस को, तो बहुत सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फाइल बनाऊंगा और एक फॉर्ड फ्लो, उसका मैं नाम रखूँगा यहाँ पे connection.php। ठीक है, मैंने यहाँ पे connection.php रखा क्योंकि हम इसको PHP से प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे PHP ही लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ से PHP लिखना स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ PHP लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे PHP लिया है और इसके बाद सिंपली एंटर करेंगे, उसके बाद सिंपली मैं PHP को यहाँ से एंटर कर दूंगा। और मैंने यहाँ पे PHP एक्चुअली ठीक से नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे PHP किया। PHP करने के बाद मैं यहाँ पे आया और इसके बाद हम कनेक्शन बनाने, कनेक्शन बनाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़े फ्रेंड लिख लूँगा। उसके बाद जब पे हम करने वाते हैं DB होस्ट या कुछ भी लेना चाहते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से हॉस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, हॉस्ट लेने के बाद सिंपली, या फिर मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ से DB होस्ट को लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से DB होस्ट ले लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ से DB होस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे DB होस्ट को लिया। और DB होस्ट को जो मेरा होस्ट है वो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट को करना चाहता हूँ। आपके अलावा इसके कोई होस्ट अलग है तो वो सिंपली आप करते हैं, जैसे कि हमारे जो सारे काम है PHP का वो लोकल होस्ट में ही करते हैं डेटाबेस का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक DB लूँगा और DB, और मैं करना चाहता हूँ इसको DB यूजर। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर लिया DB यूजर, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे मेरा कोई यूजर है, एडमिन है, तो मैं यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ। और मान लीजिए कि इसके लिए मैं कोई पासवर्ड लेना चाहता हूँ या पास लेना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे डॉलर प्रिंट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे करूँगा DB। ठीक है, और DB को मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे, और DB को जैसे पास किया मैंने, इसको हमें पासवर्ड लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। और आपका यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है तो सिंपली आप इसे ऐसा छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे, तो पासवर्ड तो नहीं लिख सकते, अगर पासवर्ड है तो लिख सकते हैं, नहीं, नहीं है तो नहीं लिख सकते, कोई प्रश्न नहीं है। तो मैं समझाने के लिए सिंपली यहाँ से पासवर्ड को उठा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप लोकल होस्ट का कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं दिया है, इसलिए मेरा कोई पासवर्ड नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, इसके लिए हम सिंपली हम एक कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन में क्या होता है कि मैं यहाँ पे कैन लिखूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे MySQL। ठीक है, मैंने यहाँ पे MySQL लिया और MySQL को मैं क्या करने वाला हूँ, हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट का यूज करूँगा, MySQL कनेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे MySQL कनेक्ट लिया, और जो फोल्डर्स मैंने ऊपर बनाया है वही सिंपली मैं यहाँ पे डालूंगा, जैसे कि डॉलर DB होस्ट मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद सिंपली मैंने DB यूजर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे DB यूजर को ले लेंगे। और DB यूजर के बाद सिंपली हमने यहाँ पे डॉलर DB, और DB के बाद हमने सिंपली पासवर्ड दिया था, पासवर्ड का सोचते हैं मतलब आप पास। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सेविंग कॉन्स लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेविंग कॉन्स लगाया, फिर मैं एक एक इफ कंडीशंस बनाना चाहता हूँ जिसमें यह शो कराना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो वैल्यूज बनाई है मैंने वो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल फो कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैंने अभी क्या लिया था, डॉलर CO है जहाँ से मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉलर कनेक्शन बनाया हुआ है। इसके लिए फिर मैं क्या करने वाला, हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया, कर्ली ब्रैकेट जैसे ही मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ, सिंपली मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ डाय, हम जहाँ पे मैसेज होते हैं वो डाय से दे सकते हैं, वरना आप कोई भी मैसेज आप से इको से भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टैंक किया, उसके बाद सिंपली मैं इसमें जो मैसेज है वो लिखना चाहता हूँ, कल नॉट सक्सेसफुली वगैरह। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, कल नॉट सक्सेसफुली कर दूंगा, और जो कल नॉट सक्सेसफुली लिखूंगा वो मैं यहाँ पे सिंगल में लिख देता हूँ। ठीक है, कल नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल, या फिर मैं कह कॉल नेट कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ही मैं कॉल नेट कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम मैं यहाँ पे MySQL एरर वगैरह से भी लिख सकता हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से, तो मैं वही यहाँ पे लिख लेता हूँ MySQL एरर। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैं इसको बाहर आऊँगा, यहाँ पे एक मैं पॉइंट लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQL एरर। ठीक है, मैं यहाँ पे MySQL एरर को ले लिया, और मैंने जैसे यहाँ पे MySQL एरर को लिया, उसके बाद सिंपली मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि एक सेमी कॉल्स लगाना है। ठीक है, सेमी कॉल्स लगाने के बाद सिंपली हमारा यहाँ पे बंद हो गया है, अब मैं इसको यहाँ पे एस का प्रयोग करना है, एस के प्रयोग करने के बाद फिर से हम यहाँ पे सेमी कॉल्स, सॉरी कर्ली ब्रैकेट का यूज लेंगे। यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर हमारा जो मैसेज सक्सेसफुली कनेक्शन बन रहा है, उसे कनेक्ट हो रहा है MySQL से, तो सिंपली हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, कनेक्ट सक्सेसफुली, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है,
सॉरी कनेक्टर सक्सेसफुली। ओके तो हमारा जो कनेक्शन बनता है तो सिंपली हमें जब मैसेज प्रोवाइड प्रिंट करा देगा कि जैसे ही यहाँ पे मेरा कनेक्शन बनेगा और उसमें प्रिंट कराऊंगा उसे, तो सिंपली यहाँ से हमारा ये वैल्यू है वो सिंपली कनेक्टर सक्सेसफुली लेके आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा यहाँ से माई एसक्यूएल और प्रिंट किया माई अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसके बाद सिंपली मैं एक इस जो मैं वहाँ पे माई एसक्यूएल को जो खोला हुआ है सिंपली मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। इसके लिए बंद करने के लिए हमें करना पड़ेगा, मैंने हुआ यहाँ पे माई एसक्यूएल, मैंने यहाँ माई एसक्यूएल लिया और माई एसक्यूएल को मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ। क्लोज, ठीक है, माई एसक्यूएल क्लोज लिया और इसके बाद जो जिसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है वही सिंपली मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको बंद किया, उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सेमी कॉन्स लगाएंगे। मैंने यहाँ पे सेमी कॉन्स लगा, फाइल को सेव किया, जैसे मैं यहाँ फाइल को सेव करूंगा फिर अपने ब्राउजर में जाऊंगा और उसको मैं यहाँ पे खोलूंगा। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फाइल सुना रही है, यहाँ पे हमारी लॉन्च सेंस वहाँ पे एक एरर आ चुकी है। वो एरर क्या है, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और जो माई एसक्यूएल स्टाइल लिखा हुआ है मैं सिंपली इसको यहाँ से पैक कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे लग भी रहा था कि यही यहाँ से एरर देने वाला है। ठीक है, इसके बाद सिंपली मैं इस फाइल को यहाँ से सेव करूँगा। जैसे मैं यहाँ फिर सेव करूँगा फिर से मैं अपने ब्राउजर पर जाऊँगा और मैं इसको रिप्लेस करूँगा। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे रिप्लेस किया तो हमें जो एरर्स है वो अभी भी आ रही है। वो एरर क्या, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लॉकल हॉस्ट के बाद एडमिन लगा दिया। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एडमिन नहीं देना था क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी यूजर्स नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ फाइल को सेव करूँगा और इसके बाद सिंपली मैं इसको रिप्लेस करूँगा। तो ऑनलाइन सिक्स ऑफ एक एरर आ रही है, यहाँ पे मैंने लॉकल हॉस्ट एट द लॉक यूजिंग पासवर्ड नो, मैंने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, लोकल होस्ट इज कनेक्ट माई स्कूल कनेक्ट। ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ कि जो फाइल्स मैंने यहाँ पे बनाई है उसको मैं यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं पासवर्ड से मैं इसको यहाँ पे पासवर्ड ही कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं फाइल को सेव करूँगा, फिर से मैं यहाँ रिप्लेस करके देखता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सिक्स पे हमें अनकरेंट माइस्क्यूली एरर एक्सपेक्टेड एसेट डिनाइड फॉर यूजर एडमिन। ठीक है, लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस इन सी। ठीक है, कनेक्शन डॉट पी एच पी लाइन जावा स्क्रिप्ट कनेक्शन डॉट पी एच पी। ठीक है, माइस्क्यूएल कनेक्ट लोकल होस्ट एडमिन एंड पासवर्ड, मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा था। एक्चुअली मैंने क्या किया, डीबी यूजर लिखा हुआ है, या फिर मैं यहाँ से सीधा ही कनेक्शन हो जाता हूँ। सीधा कनेक्शन कैसे बनाना है, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, इसको उठाने के बाद सिंपली मेरे को क्या करना है कि मैं यहाँ से जाऊँ और मैं यहाँ पे कनेक्शन होना चाहता हूँ। कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे टेन लूंगा और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ लोकल होस्ट वगैरह करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, और लोकल होस्ट। ठीक है, और मेरे को क्या करना, अभी एक मिनट, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकता हूँ इसका, नहीं तो हम जो मैंने अभी यहाँ से काटा हुआ है वो एक्चुअली मेरे को यहाँ से फिर से लिखना चाहिए था। ठीक है, मेरे को क्या करना था कि डॉल, अब मैं एक बार स्किप कर लेता हूँ वीडियो को। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक गलती थी कर दी थी कि एक्चुअली मेरे का यहाँ पहले जो मैंने पासवर्ड लगाया था वो एडमिन नहीं था, रूट था। मैंने अभी चेक किया तो हमारा यहाँ पे रूट था, उसके बाद डीबी पास में मेरा कोई भी पासवर्ड नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पासवर्ड हो तो सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे रूट था और फिर मैंने यहाँ पे डीबी पास लिखा हुआ है, सिंपली डीबी पास मेरे को यहाँ पे लिखना है और डीबी पास। ठीक है, तो मैंने डीबी पास किया यहाँ पे और उसके बाद सिंपली मेरे क्या करना है कि मैं इसको फाइल को सेव करना है। ठीक है, और उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल को सेव करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पहली बार एरर दे रहा है, तो मैं एक बार इसे रिप्लेस कर देता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। ठीक है, और यही मैं बताना चाहते था, एक्चुअली जो एरर थी मैंने वो जानबूझ के दे दी ताकि आप लोग काफ़ी सारा यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, बट ऐसा यहाँ पे हमें को कुछ भी नहीं लिखना, हमें सिर्फ वही लिखना है जो हमारा लोकल होस्ट में, जो हमने इसको लोकल होस्ट को जब हमने एग्जाम को इंस्टॉल किया था अपने पीसी या लैपटॉप्स में, तो वहाँ पे जो मैंने रूट एंड पासवर्ड बनाया था सिंपली वही हमको यहाँ पे डालना पड़ता है, तब यह सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे हम देखने वाले हैं, इससे आगे हम देखेंगे MySQL क्रिएट डेटाबेस, कि डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने MySQL में। ठीक है, और इस